या अली मदद। अलवाइज अबू अली वाइज नंबर 223। 24th of October 1985, live in Sudbury Jamaat Khana, about 240 miles from Toronto. नौजवान जमात है, एजुकेटेड लोग हैं और ये एक एडवांटेज है एजुकेशन का कि थोड़ा समझाने से ज्यादा समझते हैं। फिर भाई फरमाया है
कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पहले कैसी बड़े बड़े जबरदस्त आलिम और कैसी जबरदस्त कौमें हुई थीं। एक जमाना था कि इस दुनिया के ऊपर बाहर के लोग आके रहते थे। हमारे पीरों की एक बनाई हुई निकलंकी गीता एक किताब है जिसके अंदर हमको स्पेस और प्लैनेट्स और दूसरे स्टार्स वगैरह की हकीकतों का पता जाया है। उसके अंदर हमें बहुत कुछ फिजिक्स भी मिलता है। मैं आपको ये बहुत ब्रीफली ये समझाना चाहता हूँ कि खुदा ताला ने इंसान को अपनी तमाम क्रिएशन में से बेस्ट बनाया है। इंसान खुदा की एक आला नमूने की एक वंडरफुल क्रिएशन है। यही इंसान जब नीचे गिर जाता है तो एक जानवर की तरह हो जाता है। इंसान के अंदर कौन सी क्वालिटी है कि जो जानवरों और इंसान से फर्क में पैदा कर देती है? वो चीज है हमारा ब्रेन। और वो ब्रेन एक मैड आदमी, एक पागल आदमी के अंदर भी ब्रेन तो होता है, लेकिन उस ब्रेन की फंक्शन में फर्क होता है। हमारे अंदर खुदा ताला ने एक ऐसी चीज बख्शी है कि जो किसी और को नहीं बख्शी, और वो है इंटेलिजेंस। जब हम अपने पीरों का शास्त्र पढ़ते हैं, गिनन पढ़ते हैं, तो हमें इस बात का इल्म मिलता है। ये 10-20 गिनान जो हम जमात खानों में पढ़ते हैं, ये सफिशिएंट नहीं। इन गिनानों के अंदर हमें अच्छा बनने की, नेक बनने की, अच्छी आदतें डालने की हमें तालीम मिलती है। जमात खानी आने की बातें मिलती हैं, हमको अपने फर्ज पूरे करने की बातें मिलती हैं, हमको कॉन्शियस जगाने के लिए हेल्प मिलती है। लेकिन गिनानों के अंदर बहुत और भी चीजें हैं जो हम पढ़ते नहीं। और जिस तरह हमने दुनिया की बहुत सी ऐसी चीजों को छोड़ दिया कि जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं, इसी तरह से हमने गए लगभग 50 बरस हुए अपनी जमात के अंदर गिनानों की तरफ इंटरेस्ट घट गया। हम गिनान पढ़ते हैं टाइम पास करने के लिए। हमारा एक रूटीन हो गया है कि जमात खाने अंदर आए, पहली दुआ पढ़ के हम खड़े होते हैं, बाद में थोड़े 2-5 फिक्रे फरमान के पढ़े, 4-5 का गिनन पढ़ा, किसी ने जैसा मन में आ गया पढ़ लिया, दूसरी दुआ पढ़ी, दुआ करा के जुड़ा लेके घर चले गए। ये हमारा रूटीन हो गया है। मगर इस रूटीन के अंदर क्या है हमें उसका पता नहीं। मैंने जो गिनन का पाठ बोला उसका आपको मैं तर्जुमा कर दूं पहले, फिर मैं कुछ और आगे चलूं। चेत चेत बाना स्टार्टिंग है कि गिरे भाई रे। हिंदुस्तान की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर जी है वो एक बहुत बड़ी इज्जत की आवाज है। अगर कोई बुजुर्ग, अगर कोई बाप अपने बच्चे को बुलाता है तो वो जवाब में कहता है जी। ये जी हाईएस्ट रिस्पेक्ट का शब्द है। और हम अपने वडीलों के नाम के साथ, बुजुर्गों के नाम के साथ जी लगाते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा मान लो किसी का नाम है भगवान दास तो कहते हैं भगवान दास जी, किसी का नाम अब्दुल्ला है तो कहते हैं अब्दुल्ला जी। हम अब उसको जी को हमने साहिब कर दिया, अब्दुल्ला साहिब, शेख साहिब, फलाना साहिब। ये संस्कृत जबान का जी गुजराती में, पंजाबी में, हिंदी में, कच्छी में, बंगाली के अंदर, तमाम लैंग्वेजेस के अंदर इंडिया में जो शब्द है जी, ये एक इज्जत की निशानी के तौर पे बोला जाता है। भाई जी, बापा जी, मामा जी, चाचा जी, ये जी रिस्पेक्ट की बात है। तो पीर ने भी हमको इस रिस्पेक्टेड लफ्ज के साथ याद किया, जी रे भाई रे, ए मेरे रिस्पेक्टेड भाई। चेत चेत, चेत का मतलब है बीवेयर, होशियार बनो, जागो, टेक केयर। चेत चेत बाना, बाना सिंधी जबान के अंदर सेठ को कहते हैं। जैसा बुजुर्ग कोई बड़ा आदमी होवे, सेठ होवे, उसको बाना कहते हैं। हम इंग्लिश के अंदर बाना को मिस्टर के तौर पे ले लेते हैं या मास्टर के तौर पे ले लेते हैं। पहले हमको भाई बनाया,
और जी का उसके साथ लफ्ज लगा के हमारी रिस्पेक्ट भराए, और अब वापस हमको बाना कह के, सेठ कह के, वडील कह के बुलाया कि तुम होशियार बनो, एक एक बाना मन चंचल करी ने चेत, तुम अपने मन को जगाओ, कॉन्शियसनेस पैदा करो, मन को चंचल करो। चंचल का मतलब है एक्टिव करना, मन को, अपने मन को, माइंड को एक्टिवेट करो, डल माइंड को एक्टिवेट करो, उसको जगाओ, और मन चंचल करीने चेतो। चेतने का मतलब है होशियार रहना, केयरफुल बनना। जब लग घट में सांस, जब तलक तुम्हारी ब्रेथ चलती है, यानी जब तलक तुम्हारी लाइफ इस दुनिया के अंदर है, तुम होशियार बनो। और होशियारी को एक आला दर्जा दिया है, ये इंसान की इंटेलिजेंस के साथ संबंध रखती है। रसूल अकरम की एक हदीस है, हजूर नबी करीम फरमाया कि जो मोमन है वो बड़ा फिरासत वाला होता है। अरबी जबान के अंदर फिरासत कहते हैं इंटेलिजेंस, यानी मोमन बहुत इंटेलिजेंट होता है। फिर एक और हदीस में नबी फरमाया कि मोमन किसी से धोखा नहीं खाता। धोखा कौन नहीं खाता? होशियार आदमी धोखा नहीं खाता, लेकिन जो आदमी केयरफुल नहीं रहता वो धोखा खा जाता है। उसको लोग दूसरे चीट कर लेते हैं, वो किसी चीज के अंदर, किसी एग्रीमेंट के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मार खा जाता है, क्योंकि होशियार नहीं था। जिस तरह वकील तमाम लॉज के पॉइंट्स को जानता है, तो होशियार वकील धोखा नहीं खाता, ऐसी मिस्टेक नहीं करता कि बाद में उसके कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में नुकसान और उसके अंदर लॉस हो गए। तो नबी फरमाया जो मोमन है वो बड़ा होशियार होता है, बड़ा केयरफुल होता है, वो धोखा नहीं खाता। तो फिर कहते हैं जब तक तुम दुनिया में जियो, सारी जिंदगी होशियार बन के रहो कि कोई तुमको चीट न करे। इस चीटिंग से सबसे बड़ा मकसद जो पीर का है, अलबत्त दुनिया के अंदर भी हम किसी की चीटिंग में न आ जाएं, लेकिन यहाँ हमको दुनिया और दीन दोनों की बातें सिखाई। हमको पीर का कहना यह है कि दुनिया में भी तुम धोखा नहीं खाना, लेकिन तुम अपने मन से भी धोखा नहीं खाना कि शैतान तुमको चीट कर जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। भाव हुआ पर भक्ति न हुई। बहुत दफा किसी इंसान के अंदर इंटेंशन पैदा होती है, मैं ये करूं, मैं ये करूं। इंसान इरादा बनाता है, इंसान अपनी डिजायर पैदा करता है, इंसान को कोई ऐसे थॉट्स आते हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन भक्ति ना हुई, उसके ऊपर अमल ना हो सका। आदमी ने इरादा किया, इंसान को कोई चीज के लिए ख्याल पैदा हुआ, मुझे उसने कुछ प्लान बनाया, लेकिन वो प्लान अमल में नहीं आ सका, तो ये इंसान धोखा खा गया। तो फरमाते हैं कि भाव हुआ भक्ति न हुई, जीवड़ो उठी चालो निराश, जब मौत आएगी तो वो दुनिया के अंदर अरमान लेके जाता है। जब इंसान ऐसी 100 बरस की उम्र में या जब भी उसकी जिंदगी खत्म होती है, तो मौत से थोड़ा पहले उसको खुदा ताला वार्निंग दे देता है कि मैं अब जाने वाला हूँ। हजरत इमाम जाफर सादिक के एक कॉल में है कि हर इंसान को खुदा 40 दिन पहले उसकी मौत की नोटिस देता है, लेकिन इंसान समझते नहीं। हर इंसान को उसकी मौत आएगी, उसको खुदा 40 दिन पहले नोटिस देता है, लेकिन लोग समझते नहीं। फिर भी मौत से थोड़ी पहले उस आदमी को पता लग जाता है कि मैं मरने वाला हूँ। इवन अगर ऐसा ही कोई ऑल ऑफ ए सडन इंस्टेंट कभी कोई इंसान का एक्सीडेंट भी होने वाला है, तो उस एक्सीडेंट से भी थोड़े सेकंड पहले उसको ये बात पता लग जाती है कि मैं अभी मर रहा हूँ। यानी इंसान को खुदा नोटिस देता है, उस स्प्लिट सेकंड के अंदर भी इंसान को अपना सारा पास्ट नजर आ जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि मेरी जिंदगी फेलियर है, मेरी जिंदगी सक्सेसफुल है। फिर फरमाते हैं कि भाव हुआ
इरादा हुआ, इच्छा हुई मैं ये काम करूं, लेकिन वो अमल में ना ला सका। ये इशारा है इंसान को, जब इंसान को कोई मुसीबत आती है, जब इंसान को कोई दुख आता है, तो वो लोग के जो खुदा को मानते हैं, जो एथिस्ट नहीं है लेकिन थीस्ट हैं, खुदा को मानने वाले हैं, फिर कोई भी कौम का आदमी होवे, तो जब वो खुदा को मानते और जानते हैं, तो इंसान को कभी न कभी ये ख्याल आता है कि मैं गुनहगार हूँ, मेरे से भूल हो गई। खुदा की इबादत या याद करने के लिए उसको इच्छा होती है, लेकिन बाद में फिर वो गफलत में पड़ जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जब इंसान के ऊपर कोई दुख आता है तो हमको याद करता है और फिर हमसे वादा करता है कि अरे खुदाया मुझे इस मुसीबत में से दूर कर दे तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं तुझे याद करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मगर जब वो अच्छा हो जाता है तो इंसान फिर भूल जाता है। हमारे एक काउंट साहब थे तंजानिया के अंदर, काउंट तो बाद में बने, पहले वो आलिजा बने, फिर वो राई बने। ये मैं बात करता हूं कुछ 50 बरस की, बल्कि इसके भी पहले वो जो आदमी थे हमारी कौम के बड़े मशहूर लीडर थे, लेकिन बहुत कंजूस थे, बहुत कंजूस। कंजूस यानी माइलर। उनका काम यह था कि वो लोगों को पैसा उधार देते थे, लोन देते थे, और उस जमाने में भी यानी 50-60 साल पहले भी वो 5%, 4%, 4-5% इंटरेस्ट चार्ज करते थे। अगर किसी को 1,000 शिलिंग देवे तो 1,000 शिलिंग का 5 के हिसाब से 50 शिलिंग तो वो पहले ही काट ले रहे। ये 50 शिलिंग एवरी मंथ के थे, 5% एवरी मंथ, तो वर्ष के 60% हो गए। इतनी ब्याज खाते। किसी आदमी ने कभी उसके पास अपना कोई मकान या ऑर्नामेंट मॉर्गेज रख दिए तो वो कभी छुड़ा नहीं सका, कभी नहीं। इस तरह उसने बड़ी मिलकत जमा की। जंजीबार में और दारुसलाम में आना जाना था उनका, बहुत मिलकत जमा की। एक दफा बीमार पड़े। अब जो बीमार पड़े तो घरवाली ने कहा, देखो ना सारी जिंदगी कंजूसी में निकाली, मियां बीवी में आपस में थोड़ी तकरार हो जाती थी इसी कारण से, कुछ तो खैरात करो, कुछ तो चैरिटी करो कि जो तुम्हारे साथ चले। तो उसने बोला, अच्छा मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मैं खैरात करूंगा। अच्छे हो गए, बस एक मेहमानी भेज दी, वेलफेयर सोसाइटी को कुछ स्टॉक शिलिंग दे दिए। 2-3 बरस हुए थे बीमार पर, और ऐसी बीमारी आई कि डॉक्टर भी डरने लगे। उस वक्त हकीकत में सचमुच रो पड़े, या मौला मेरे को तुम अच्छा कर दे, मैं एक बड़ी रकम अपनी जमात के वास्ते कोई फायदे और भले में दूंगा। 6 महीने की बीमारी के बाद अच्छे हो गए। इरादा रहा, मनाना किया, लेकिन यूं ही करते 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 2-3 साल निकल गए। वो चीज दिल में खुजती जरूर रही, अभी इरादा था, मुंह से वादा भी कर लिया, लेकिन मन के अंदर वो जो पैसे की मोहब्बत और अटैचमेंट थी ना, उसकी वजह से वो चीज अमल में नहीं आती थी, प्रैक्टिकल नहीं बनती थी। दुनिया के अंदर प्रैग्मेटिक आदमी बहुत थोड़े हैं कि जो बोलते भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। करना ऐसा हुआ कि 37 के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद सरदार सलाम में आए, और इनके घर वालों ने इनको खूब ये चीजें याद कराई। सदरली मिशनरी वहां थे, उसकी मुलाकात हुई और कहा कि मेरा इरादा है कि मैं 50,000 शिलिंग कोई धर्मादा के अंदर जमात के भले के लिए मैं कुछ बनाऊं। जब ये खबर थोड़ी सी बाहर निकली तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले पहुंच गए कि हमारा प्लान है एक स्कूल बनाने का। चलो ये इमाम जमान के हुजूर में गए और 60,000 शिलिंग इसने स्कूल बनाने के लिए दिया। दरअसलाम के अंदर
वो स्कूल से जो पहले बच्चों की लड़कों की स्कूल थी जहाँ हेड मास्टर ग्रेगरी भी था और एक मिस्त्री मास्टर भी था, मैं ये 46, 48, 50 की बात करता हूँ, ये स्कूल बनाने के 50,000 शिलिंग दिए। सदगढ़ मिशनरी ने जब इमाम के पास अरज रखी तो खुदावन तेरे इस काउंट में 50,000 शिलिंग का ऐलान किया है, मतलब बहुत राशि हुए, बहुत राशि फरमाए। हमारे मजहब के अंदर, हमारी जमात के अंदर एक सिस्टम है कि हमको कोई भी जमात के लिए कोई चीज चैरिटी करनी होवे, यानी बिल्डिंग बनानी होवे, जमात खाना है, हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, स्कूल वगैरह है, तो जितने पैसे हम इकट्ठे करते हैं इतने ही हजर इमाम हमको ग्रांट देते हैं, पाउंड टू पाउंड ग्रांट मिलती है। जब आर्किटेक्ट के पास से इस बात की और कॉन्ट्रैक्टर के पास से इस बात के लिए जब हिसाब किताब अकाउंट और सब प्लान आए तो पता लगा कि लाख शिलिंग के अंदर ये स्कूल नहीं बने, यानी 50,000 इमाम के, तो लाख शिलिंग में ये स्कूल नहीं बने। एस्टिमेट आया 150,000 का। तो इमाम ने सफदरजी मिशनरी को उसके पास भेजा के उसको बोलो कि तुम्हारी स्कूल बनाने की जो नियत थी वो हमने कबूल की, लेकिन 150,000 का था और तुमने 50 दिए हैं, 25 और दो, 25 मैं भी दूंगा मौला फरमाया। मगर इसने लाखों शिलिंग थे उसके, 40 लाख शिलिंग था उस वक्त उसके पास, लेकिन 25,000 देने के लिए दिल में चला। खैर इमाम ने तो हुक्म कर दिया, नहीं देता ना, फिर लाख शिलिंग इमाम ने दिया, 50,000 उसके रहे। जब बिल्डिंग बन गई तब इसको ये चीज याद आई कि ये मैंने क्या किया, 25,000 भी ना दे सका। हो सकता है पॉसिबल कि इसको ये चीज दिल में लगी होवे, ये बीमार पड़ा और फिर इसने यही दुआएं मांगी कि या मौला मैंने तुम्हें धोखा दिया 25,000 के लिए, अब मैं जो अच्छा हो जाऊंगा, फिर भी शर्त लगाई कंडीशन की कि अगर मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मैं 25,000 दूंगा। मगर वो इसी बीमारी में गुजर गया, वो चीज उसके साथ मौत में चली गई। आज उसकी औलाद के पास एक सेंट नहीं है, किधर पैसा चला गया कुछ पता नहीं। दुनिया के अंदर इस किस्म के बेहिसाब केसेस हैं, हमारी जमात के अंदर बने हुए, हमारी जमात के अंदर बने हुए। मैं गए 40 बरस अफ्रीका के अंदर रहा और उसके पहले मैं इंडिया में था। मेरी इस वक्त 67 ईयर्स की एज के अंदर गए हाफ सेंचुरी से ज्यादा के टाइम में मैं जब याद करता हूं तो मेरी जमात के अंदर ऐसे कितने ही लोग थे, लाखों करोड़ों पति थे, आज कुछ नहीं। मैंने ये भी देखा कि जो बहुत गरीब थे आज वो मालदार बन गए। खुद यहां कनाडा के 15 बरस के अंदर वो आदमी कि जो बैक होम बहुत मालदार थे, बंगले वाले थे, मोटरों वाले थे, उनमें से बहुत से, सब के सब ना सही, लेकिन बहुत से आज बेचारे तंग हैं, तकलीफ में। और ऐसे लोग कि जो 500 शिलिंग की नौकरी करते थे आज उनके पास यहाँ $5,00,000 है। खुदा ताला की ये देन है। सुबह के वक्त एक अमीर होता है, शाम को गरीब हो जाता है, शाम के वक्त एक आदमी गरीब होता है, सुबह को अमीर हो जाता है। खुदा जो चाहता है तो दे देता है। एक गरीब फैमिली दार ए सलाम के अंदर 72 में इधर आई, गरीब फैमिली, इलेक्ट्रिशियन थे, बड़ी मुश्किल से पेट पालते थे, इधर आया, $1 की वो लॉटरी की टिकट लेता रहा, लेता रहता, 6 महीने के बाद उसको $2,50,000 लग गए। इधर ही टोरंटो की बात है। खुदा को जब देना चाहता है तो इस तरह दे देता है, और खुदा जब लेना चाहता है तो दिन दर एक आंख की पलक में सब कुछ ले जाता है। ये चीजें हमारे विचार करने की है कि दुनिया के अंदर है क्या, कौन सी चीज के पीछे हम पड़े हैं, आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के एक फरमान में है, मैं ये फरमान बहुत दफा अपनी वाज़ों में कोट किया करता हूँ, कि तुम आराम से किसी एक कोने में अपने घर में किसी दिन, माँ बाप ने तो कहा कि रोज कर सकते हो तो रोज, डेली नहीं तो वीक में एक दफा,
वीक में नहीं बने, 15 दिन में एक दफा। सब बोले 15 दिन में नहीं बने तो महीने में एक दफा जरूर। आराम से बैठ के तुम सोचो कि मेरी लाइफ क्या है, क्या मेरे कैरेक्टर अच्छा है, क्या मेरी तंदुरुस्ती अच्छी है, क्या मेरा कुटुंब अच्छा है, क्या लोगों के साथ मेरा ट्रीटमेंट सलूक अच्छा है, क्या मेरे कॉन्टैक्ट अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, क्या मेरी रूहानी साइड जो है वो अच्छी है। मामा फरमाया कि तुम अपनी जिंदगी का स्टॉक लो कि तुम कहाँ हो। सुबह हुई अपने काम पे चले गए, शाम को घर पे आए, यारों दोस्तों के साथ फिरे। कोई शराब पीने वाला होगा तो वो शराब की बोतल खोल के या पीछे में जाके लोगों के पास जाके बार में बैठेगा, कोई जुगाड़ में पड़ जाएगा, कोई वीडियो खोल के बैठ जाएगा, कोई सिर्फ घर में बैठ के आराम करेगा और रात को खा पी के सो गए। क्या ये हमारी लाइफ का मकसद यही है कि खाया पिया सो गए और फिर मर जाएंगे, कि हमारी लाइफ में कुछ और भी है? हम इस्माइलियों को, जिसके ऊपर एक इमाम है, सारी दुनिया के अंदर किसी के ऊपर इमाम नहीं है, सारी दुनिया के अंदर किसी के ऊपर ऐसा रूहानी लीडर नहीं है, हमारे ऊपर इमाम है। हमारा जो मजहब है वो मिस्टिसिज्म का मजहब है, सूफी मजहब है, और सूफी मजहब के अंदर ये बताया जाता है कि तुम इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। हमारे में से सारी दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा अपनी मर्जी से, अपनी इंटेंशन से वो पैदा नहीं हुआ, और जब वो मरेगा तो भी उसको पहले पूछा नहीं जाएगा कि तुझे मरना है। वो अपनी मर्जी से पैदा भी नहीं हुआ और अपनी मर्जी से मरेगा भी नहीं। वो लोग के जो सुसाइड करते हैं वो भी अपनी मर्जी से नहीं मरते, मजबूर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अपना जीव ले लेते हैं मर्जी से, राजी खुशी से कोई नहीं मरता। अगर ख्याल करो कि बर्थ और डेथ हमारी मर्जी से नहीं है तो क्या ये लाइफ हमारी मर्जी से है? अगर हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं, मौत भी हमारी मर्जी से नहीं, बल्कि कोई एक सुप्रीम हार्ट इस चीज को कंट्रोल कर रहा है, तो जन्म और मौत के बीच में हमारी ये जो लाइफ स्पैन है वो क्या हमारी मर्जी से है? दुनिया में कितने लोग हैं कि वो अपनी इच्छा, अपनी डिजायर को 100% पूरी कर सकते हैं? हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक फरमान तालिका भेजा दार सलाम के अंदर, माँ बाप के उस तालिके में यह है कि अगर तुम्हारी डिजायर, अगर तुम्हारी प्लानिंग 20% भी, 20% भी कभी कामयाब, सक्सेसफुल हो जाए तो तुम आखिरी दुनिया में सबसे ज्यादा लकी हो। उसमें ये जाहिर होता है, मौला ने उसमें 1/5 का बात की है, इसलिए मैंने 20% कहा, कि तुम्हारी 1/5 भी अगर तुम्हारी होप्स और तुम्हारी डिजायर्स रियलाइज हो सके तो यू आर दी लकीस्ट पर्सन। मैंने तो दिन दर ये देखा है दुनिया के अंदर, मेरे पास हजारों लोग मिले, लाखों आदमियों को जानता हूं, बहुत मुसाफरियां की, कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1% हो सकता है कि इंसान की होप्स, उसकी डिजायर पूरी हो सके। 99% इंसान की जिंदगी के अंदर दुख है, 99% अगर नहीं तो कम होंगे, 5-10% कम होंगे। सक्सेस इंसान को 5% नहीं मिलती, 10% नहीं मिलती। तो अब है क्या हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी इस लाइफ का एम क्या है? खाना पीना और सो रहना, मौज शौक करना और बच्चे पैदा करके, बच्चों को बड़ा करके सीनियर सिटीजन बन जाना, घूम फिर के मटीरियलिज्म के अंदर रह के हम मर गए, फिर मरने के बाद क्या होगा? आखिर हमारी लाइफ वहां खत्म तो नहीं होती? आप में एजुकेटेड बहुत हैं, आप लोगों ने साइंस सीखी है, आपको मालूम है कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इट्स शेप,
अब पानी को गर्म कर दो तो वो स्टीम बन के उड़ जाएगा, लेकिन पानी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इसी स्टीम को अरेस्ट करो, वो फिर पानी बन जाएगा। इसको ठंडा करो तो वो बर्फ बन जाएगा, गर्म करोगे फिर पानी बन जाएगा। अब लकड़ी को जला डालो, लकड़ी की शक्ल बदल जाएगी, लेकिन इसी लकड़ी के अंदर से गैसेस निकलेगी और राख बनेगी। मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अगर मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसकी शक्ल बदल जाती है, तो आत्मा डिस्ट्रॉय हो सकती? आत्मा भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। हमारी जिंदगी यह है कि एक माइक्रोस्कोपिक सेल जो इंसान का सीड है, एक स्पर्मेटोजा, एक सिंगल सेल माँ के पेट में कंसीव होके देखो इंसान बन जाता है। बच्चा पैदा होता है 7-8 पाउंड का होता है, 7-8 पाउंड का भी कोई कोई नॉर्मल बच्चों की 6-7 पाउंड की जन्म होता है, मान लो 8 पाउंड का या 10 पाउंड का। ये जवान होके 150-200 रत्तल का आदमी बन जाता है, खाता पीता भागता दौड़ता है, बदन में ताकत होती है, ब्रेन के अंदर हूंपनी होती है, फिर यही बूढ़ा हो जाता है। वो जवानी का जोश, वो बचपन की मस्ती, दौड़ धूप, फिस्टिवल वगैरह, उसकी जो लाइफ होती है कहाँ चली गई जब वो 80 बरस का होता है? जुड़ियाँ पड़ जाती हैं, कमर झुक जाती है, नजर कमजोर हो जाती है, कान भी काम नहीं करते, जीभ भी पूरी तरह चलती नहीं, दांत निकल जाते हैं। वो खाना जो 25 बरस में खाता था 75 बरस की उम्र में हजम नहीं कर सकता। ये सब क्या है, क्यों ऐसा होता है? और आखिर इसी को हम कब्र में दफन कराते हैं, फिर कभी नजर ही नहीं आता। 2-5-10 बरस के बाद कब्र खोदोगे तो हड्डियां भी गल जाती हैं। इंसान की लाइफ किधर जा रही है? इस दुनिया के अंदर जो एक सपने की तरह हमारी लाइफ का दिन गारो, इट्स जस्ट ए ड्रीम। आंख खोलते हैं तो ड्रीम में हमने जो कुछ देखा है ना, वो तो कुछ नहीं है। कोई आदमी ड्रीम के अंदर मोटर में बैठा है, एरोप्लेन में बैठा है, कभी आंख खुलती है तो मोटर भी नहीं है, एरोप्लेन भी नहीं है। ड्रीम के अंदर कुछ खाना खा रहा है, आंख खुल गई तो खाना किधर गया? कौन सी चीज थी कि जो इंसान को ड्रीम में ले जाती है? हमारे लिए एक लेसन है, हमारे लिए एक लेसन है कि हमारी ये जिंदगी जो है, हमारी 50-100 बरस की जिंदगी, इट्स जस्ट ए ड्रीम, इट्स एन इल्यूजन। असल चीज हमारी आत्मा है, हमारी रूह है। मरने के बाद बदन जमीन में चले जाता है, सोल उड़ जाता है। कहाँ जाता है? हमको कभी ये बैठ के ख्याल हुआ कि भला मरने से पहले मैं दुनिया में था? इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मौलाना रूमी ऐसा बैठ के सोचा करता था कि मैं मौत से पहले किधर था। मौलाना रूम सोचते सोचते, थिंक करते करते, उसके ब्रेन के अंदर जो पुरानी फाइल्स पड़ी है ना, ओल्ड फाइल्स, उसको वो ढूंढते 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 उसको याद आया, हाँ मैं इस जन्म से पहले बंदर में था। मैं बंदर था तो बंदर में से कहां से आया कि मैं दूसरे जानवरों में था? तो वो बैक जाते 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 उसको पता लगा कि मैं तो पहले मिट्टी था, मिट्टी में से मैं वेजिटेशन में आया, वेजिटेशन से निकल के मैं कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स में आया, इंसेक्ट्स में से इवॉल्व होके मैं जानवरों में आया, जानवरों से निकल के मैं इंसान में आया। ये एवोल्यूशन की चीज थी जो मौलाना रूम ने आज से लगभग 1000 बरस पहले अपने दिमाग और दिल के अंदर सोची। 1000 बरस पहले डार्विन पैदा नहीं हुआ था, 1000 बरस पहले गैलीलियो भी ना था, न्यूटन भी ना था, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन रूहानी आदमी थे कि जिन्होंने अपनी रूहानियत के हिसाब से इस बात को डिस्कवर किया कि दुनिया के अंदर इंसान इवॉल्व होकर आया। तो क्या अब इंसान की जो लाइफ है यहां ये एंड है एवोल्यूशन का? नहीं,
अगर वो जानवरों में से निकल के इंसान इवॉल्व हुआ है तो इंसान भी आज उसकी जिंदगी का एंड नहीं है. ही मस्ट गो हायर. हाईएस्ट पॉइंट क्या है? खुदा बन जाना. इसी चीज को मजहब ने फना फिल्ला का घर कर दिया. यूनिटी विद गॉड. खुदा ताला हमारी जिंदगी का मकसद है. खुदा हमारा एम है. खुदा हमारा ऑब्जेक्ट है. वो हमारा डेस्टिनेशन है. हमें वहां पहुंचना है. सीधा रास्ता नहीं मिलता तो क्रूक्ड रास्ते से किसी भी तरीके से हमको वहां पहुंचना है. ये हमारी मंजिल है. हम इस्माइली लोग जो हैं सूफी टाइप के गैरों के अंदर ये ख्याल नहीं है कि देखो ये सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं. नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी है. टीवी देखते हो, पेपर पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो. इन लोगों के अंदर कितना मेटीरियलिज्म है. उनमें रूहानियत कुछ नहीं. हम लोग खुश नसीब हैं कि हर रोज जमात खाने के अंदर आते हैं, फरमान सुनते हैं, गिनर सुनते हैं. कभी कभी कमिश्नरी आते हैं तो आवाज करके हमको जागरूक करते हैं. मिशनरी आपको कुछ देता नहीं है. सब कुछ आपके अंदर है. मिशनरी सिर्फ आपको जगा देता है. कभी कभी आदमी थक जाता है ना तो ऊंग जाता है, स्लंबर में पड़ जाता है. उसको हिलाओ तो वो होशियार हो जाता है. जितने भी पीर फकीर नबी औलिया वली इमाम आए या दाई आए, मिशनरीज आए, पंडित आए, ब्राह्मण आए, उनका काम एक ही होता है. सब कुछ इंसान के अंदर है. हर एक इंसान को खुदा ने आत्मा दी है. हर एक इंसान को खुदा ने अकल दी है. हर एक इंसान को खुदा ने इंटेलिजेंस दी है. क्योंकि हर इंसान खुदा की क्रिएशन है. हो सकता है लोगों के अंदर, इंसानों इंसानों के अंदर लेवल में फर्क होता है. और ये लेवल जो लो लेवल के हैं वो जरूर मरने के बाद हायर लेवल में जाएंगे, फिर मरने के बाद उससे हायर लेवल में जाएंगे. इंसान की बल्कि खुदा की जितनी भी क्रिएशन है उसके अंदर प्रोग्रेस है. नेचर प्रोग्रेसिव है. डिस्ट्रॉय होके हायर जगह जाते हैं. इंसान भी ऐसा है. उसकी आज अगर लो लेवल है तो मौत के बाद उसको हायर लेवल मिलेगी. ये हो सकता है कि प्रोग्रेस स्लो हो जाए. ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए प्रोग्रेस स्टॉप हो जाए. लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसे भी दुनिया के अंदर लोग हैं कि जिनकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है. हर एक इंसान को हमारे पीर फरमाया कि 8 इंसानी अवतार दिए गए हैं. यहाँ अवतार का मतलब वो अवतार नहीं जो हिंदू लोग मानते हैं. अवतार का मतलब लाइफ स्पैन. 8 दफा इंसान को टोटली 8 दफा एक आदमी दुनिया में इंसान ह्यूमन फॉर्म में आएगा. अगर वो लोअर लेवल नंबर 1 से शुरू होके हाईएस्ट लेवल इंसान की जो 8वीं है वहां तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि उसको 1000-2000 बरस भी निकल जाए. हो सकता है कि उसको 10-20 हजार बरस निकल जाए. लाजिम नहीं कि हर लाइफ के बाद इमीडिएटली दूसरी लाइफ मिले. पॉसिबल है कि 2 लाइफ के अंदर 2-4 हजार बरस तक वो डिटेंशन में हो गए. क्योंकि हमको ये भी पीरों ने कहा है कि अगर तुम गुनाह करोगे तो बाज ऐसे गुनाह हैं कि तुम्हारे मरने के बाद तुमको डिटेंशन में रखा जाएगा और उसका मैक्सिमम पीरियड 5000 बरस है. 52 घाटी की सदरदीन की छोटी सी किताब है, आप पढ़ो. इसी तरह से 20 टोल हैं सईद इमाम शाह की, पीर हसन कबीरद्दीन के बेटे की ये बनाई हुई किताब है, उसको पढ़ो. और उसके अंदर हमें कुछ मिलता है और वो चीजें फेंक देने की नहीं, सोचने की है. तो अगर हमको एक अवतार मिला, एक लाइफ मिली, हो सकता है हमको इमीडिएटली दूसरी लाइफ न मिले. तो 8 लाइफ पार करने के लिए पॉसिबल है कि 8000-10000-20000 बरस भी निकल जाए. ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये 8ों के 8ों लाइफ इमीडिएटली 1 after another मिले. ये सब हमारे आमाल के ऊपर है. ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ही लाइफ मिले, हम जंप करके तीसरी लाइफ के ऊपर पहुंच जाए.
और तीसरी से हम पांचवी सातवीं रास्ते पर पहुंच जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आठ लाइव्स मिल जाने फिर क्या, उसके बाद क्या, नौवां चांस नहीं मिलेगा। फिर ये होगा कि कुरान शरीफ इस बात के अंदर भरा पड़ा है, अल्लाह ने फरमाया है कि उन लोगों को जिनको खुदा चांसेस देता है, अगर उन चांसेस को वो लोग अरेस्ट नहीं करते, अगर उन चांसेस से वो एडवांटेज नहीं उठाते, तो फिर खुदा ताला उसको हाविया दोजख के अंदर डाल देता है, यानी उसको खुदा डिस्ट्रॉय कर देता है। अल्लाह डिस्ट्रॉय कर सकता है, साइंटिस्ट किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिएटर भी वही है और डिस्ट्रॉयर भी वही है। अब हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, फिर का एक बहुत अच्छा गिनान है, बच्चे स्कूल में सीखते हैं, जी कहो रे इस कारण आया जी ना कि दी साहिब जिनी प्रेमा जी, जी दुनिया नो लो भुजवड़ो करवाने होता तो दिनदारों
خدا اس کو پھر توڑ دیتا ہے. ہماری زندگی کا پرپز یہ ہے کہ خدا نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے ہم اس مقصد. جیسے ایک انجینئر کوئی چیز بناتا ہے, اس نے پنکھا انوینٹ کیا, تو پھر پنکھا اگر بگڑ جاوے تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے مکینکس ہوتے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے کریشن پیدا کر کے اس کے لیے مکینکس ریپیئر کرنے والے بھیجے, اور اس کے ساتھ اس نے ایک مینوئل بھیجا کہ بھائی اس کا کرنٹ اتنا ہے, وولٹیج اتنی ہے, وولٹیج اتنی ہے, اس کی اتنی اسپیڈ ہے, یہ اس کی سائز وغیرہ ہے. تو خدا نے بھی مینوئل ساتھ بھیجا. یہ مینوئل اس کی کتابیں ہیں, تورات, زبور, انجیل ہے, قرآن ہے, نبی بھیجے اور ساتھ مینوئلس بھیجے کہ ہماری زندگی کی تمام باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں, اس طرح کرو گے تو ایسا ہوئے گا. گاڑی خریدتے ہو آپ لوگ, گاڑی لے کے پھر ساری زندگی دیکھتے ہی نہیں, ضرورت پڑتی ہے پانی ڈالتے ہو, بیٹری کی لیول دیکھتے ہو, پھر آپ ٹائر میں ہوا بھی پریشر بھی دیکھتے ہو, کانگا دکھاتا ہے کہ ابھی ٹینک ختم ہوتی ہے تو آپ اس میں پیٹرول ڈالتے ہو, گاڑی کی سروس تو ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے لاز بنا دیے. اسی لا کو جو خدا نے انسان کے بھلے کے لیے لاز بنائے اس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں. مذہب کے اندر خدا نے لاز بنا دیے. تمام دنیا میں 124,000 جو پروفٹس آئے انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر ہیومن کائنڈ کی لیول کے حساب سے باتیں کی اور سب کچھ بتایا. ہم کو بتایا گیا اتنا کھاؤ کیسے کھاؤ, اتنا سوو کیسے سوو. ہم کو بتایا گیا بزنس بھی کرو, میرج بھی کرو, فیملی ریز کرو, مات پتا کا دھیان رکھو, پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, تندرستی کا بھی دھیان رکھو. دنیا اور دین دونوں کے لیے خدا نے ہمارے سامنے لوز بنا دیے. اب ہم صرف دنیا میں ہی پڑ جائیں اور دین کو اور اپنی روحانی سائیڈ کو بھول جائیں تو پھر جانور بھی تو کھاتے پیتے ہیں. ہمارے اندر اور جانوروں میں, میں نے بگننگ کے اندر یہ کہا ہے کہ فرق انٹیلیجنس کا ہے. ہم کسی جانور کو دیکھ لو, ایک بکری ہے, گائے ہے, کھانا کھاتے ہیں جانور, جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں, جانور تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں, ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ کھایا پیا, عیش آرام کیا, سوئے پھرے, ویڈیو دیکھے, جگاڑ کھیلی, شراب کی, موج شوق کی, ہالیڈیز پہ چلے گئے, رات کو سو گئے, دن کو کام کیا, اور ہم نے خدا تعالیٰ کو جس نے ہمیں پیدا کیا بھول گئے, تو پھر خدا تو ڈھیل بہت دیتا ہے, اس کی سزا میں ڈیلے بہت ہوتا ہے, لیکن انجام کانسیکوینس اس کے اچھے نہیں ہوتے. ہر ایک انسان کے لیے خدا نے جو لاز بنائے ہیں اس کے لیے ان لاز میں سے چلنا ہی پڑے گا. آج نہیں چلے گا کل چلے گا, کل نہیں چلے گا پرسوں چلے گا, کتنا بھاگے گا, کہاں جائے گا؟ خدا کی کریشن کے باہر تو انسان نکل نہیں سکتا, کبھی نہ کبھی کدھر نہ کدھر خدا پکڑ لے. وہ آدمی کہ جو خدا کے محبت کرنے والے بندے ہیں, جو ریلیجس آدمی ہیں, ٹرو فارم کے اندر, دنیا میں بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو دھارمک آدمی سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو ریلیجس آدمی سمجھتے یا پیش کرتے ہیں, مگر اندر بدماش ہوتے ہیں. ان کی میں بات نہیں کرتا, جو سچے ہیں, جن کا انتکرن بھی پاک ہے, اس کے اعمال بھی اچھے ہیں, ایسے لوگ دنیا کے اندر بہت تھوڑے ہیں. ہم اسماعیلیوں کو یہ چیز بتائی گئی کہ تم دنیا بھی رکھو, دین بھی رکھو. ہم کو نہیں کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یا کسی نبی کی طرف سے کہ تم دنیا چھوڑ کے سادھو بن جاؤ. ہم کو نہیں کہا کہ تم گھر بار چھوڑ کے جنگل میں جا کے خدا کی عبادت کرو. ہم کو تو ہمارا امام کہتا ہے دنیا کے اندر بھی بیسٹ رہو, دین میں بھی بیسٹ رہو. دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی گزارو, دین کے اندر بھی کھاؤ پیو, اچھا کھانا کھاؤ, پیسے پیدا کرو, فیملی ریز کرو, لیکن تمہاری ساری 24 آورس کا ایک پلان بناؤ. اس میں کم از کم ایٹ لیسٹ ایک گھنٹہ, 1 آور تو خدا کے لیے رکھو, ایک کلاک تو خدا کے لیے, اس کو یاد کرنے کے لیے, اس کو تھینکس کرنے کے لیے. مجھے کوئی آدمی چائے کا کپ پلا لے تو
कम अज कम मैं इतना तो बोलूं, मेरे अंदर इतनी तो मैनर्स होने चाहिए कि मैं उसको कहूँ कि थैंक यू वेरी मच। अगर मैं चाहती कि किसी का थैंक्स ना करूं, उसको उसकी मेरे थैंक्स की परवाह नहीं है, और मैं कभी थैंक यू नहीं करूंगा तो मेरी चाय मेरे पेट में से नहीं निकालेगा, लेकिन समझ लेगा कि ये कोई मैनरलेस आदमी है। हमको खुदा ताला ने लाइफ दी, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, खुदा ने हमको पैदा किया है, तो इसके लिए सब कुछ खुदा ने हमें दिया। बीवी दी, बच्चे दिए, तंदुरुस्ती दी, इज्जत दी, रोजी कमाई दी, पैसा दिया, ये खुदा ने दिया। तो हमारे अंदर इतने मैनर्स नहीं कि हम अपने खुदा को थैंक यू तो कहें, थैंक यू तो कहें उसको, ये कहिया खुदा या तेरा शुक्राना अदा करता हूँ तूने मुझको ये बना दिया, ये बना दिया, पैसे दिए, इज्जत दी, तंदुरुस्ती दी। किसने दिया? मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने बैतुल ख्याल में एक बॉम्बे के अंदर फरमान किया हुआ है। मामा फरमाया, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी है उसका नाम जाफर है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल सामने नाम दिया। अब फरमाया, टेक फॉर इंस्टेंस, एक आदमी उसका नाम है जाफर, वो मालदार है, बड़ा बैंक बैलेंस है, बिजनेस में सक्सेसफुल है, उसके कारखाने फैक्ट्रियां हैं, पब्लिक में इज्जत है, तंदुरुस्ती है, अच्छा कुटुंब फैमिली है। मामा फरमाया, वो आदमी कभी ऐसा मन में समझ ले रहे कि ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी अकल से होशियारी से बनाया है, तो सब फरमाया वो रॉन्ग है, ये सब कुछ खुदा ने उसको दिया है। हम दुनिया में देखते हैं पैसे वाले गरीब हो जाते हैं, गरीब अमीर हो जाते हैं। अगर इंसान की होशियारी ही की बात होती तो पैसे वाला तो कभी गरीब होना नहीं चाहता, फिर क्यों हो जाते हैं? और गरीब पैसे वाले बनना चाहते हैं फिर भी नहीं बनते। तो खुदा ताला की मर्जी होती है, हमको जो कुछ भी मिलता है वो तो खुदा की मर्जी से होता है। ढाका का जमात खाना बना, जमात ने बहुत मेहनत की, अपने जवानों ने एक एक ईंट उठा के रखी। मौलाना हज़रत इमाम गए उधर खोलने के लिए, तो काफी के प्रेसिडेंट ने इन जवानों का खूब पठन किया, और बात भी सच, इन्होंने खूब मेहनत। कहता है कि या मौला, इन लोगों के कारण से ये जमात खाना बना है, यानी सारा जितना भी क्रेडिट था वो जमात के वर्कर्स को दिया। अगर इमाम ने खड़े होकर जब फरमान शुरू किए तो मामा फरमाया कि ये सच बात है कि तुम्हारी मेहनत हुई, लेकिन याद रखो तुमको ये मेहनत करने की शक्ति जिसने दी है उसको तो तुम भूल गए। वो कौन? जिसने हमें पैदा किया। अगर हमने कोई चीज में सक्सेस उठाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको फरमाते हैं कि फौरन खुदा ताला के सामने झुक जाओ, सबमिट हो जाओ, कहो कि या अल्लाह तेरा शुक्र गुजार हूँ कि तूने मुझे इस काम के अंदर सक्सेस दी। इस्लाम दीन जो हम इस्माइलियों का दीन है, इस्लाम को समझने का जो बेस्ट तरीका है वो इस्माइली तरीका है, कि हमको हर हालत में हर जगह पल ब पल उसको याद करने की हमें नसीहत की गई। मौलाना हज़रत इमाम के आज फरमाने कि तुम सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत करो, लेकिन सारा दिन खुदा को किसी न किसी तरीके से याद करते रहो, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या रहमान या रहमान या रहमान, या अली या अली, कोई भी तरीके से उसको याद करते रहो, तो उसके साथ तुम्हारा कॉन्टेक्ट कायम रहे। कुछ भी दुनिया के अंदर करो तो हर हालत में खुदा के साथ कॉन्टेक्ट तुम्हारा रहे, उसके साथ हॉकी टॉकी तुम्हारी ओपन रहे। कुछ भी काम करना है, इरादा करने हैं, तो उसके लिए फरमाया रसूलुल्लाह ने, कहो इंशाल्लाह मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा नहीं, खुदा को बीच में डालो कि खुदा चाहेगा तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि मेरा इरादा और मेरी मर्जी कामयाब नहीं होती। अगर हमको खुदा ताला ने कोई चीज की बख्शिश दी है, हमें कुछ सक्सेस मिल गई, तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी ने हमारी तारीफ की है, वखान किया है,
تو اس وقت بھی کہو الحمدللہ, یعنی وخان خدا کا ہے میرا نہیں. ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ, یعنی خدا کی ایسی مرضی ہوئی. ہم کچھ کام کرتے ہیں, کھانا کھاتے وقت یا باہر نکلتے وقت ہم کہتے ہیں بسم اللہ, تو خدا تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. جی رے بھائی رے, چیت چیت بانا, ہوشیار بنو, کیئر فل رہو. اے سیٹھ, اے میرے وزیر, جب تلک دنیا میں جیتے ہو ہوشیار رہو کہ تم چیٹنگ میں نہ پڑ جاؤ. نہ تم کسی کو چیٹ کرو, نہ کوئی تم کو چیٹ کرے. ایسا نہیں کرنا کہ تم اپنا کوئی بھی ارادہ یا ڈیزائر یا کوئی ہوپ کرو لیکن اس کو عمل میں نہ لا سکو. کوئی بھی نیک نیت کرو اس کو عمل میں لاؤ تو دنیا کے اندر ہمیں کامیابی ملے گی. اسماعیلی مذہب بیسٹ مذہب ہے, یہ بیسٹ طریقہ ہے اسلام کے اندر. ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب آئے, میں نے آپ کو عرض کی کہ 124,000 پیغمبر پروفٹس آئے, تمام پروفٹس کا جو مذہب تھا وہ اسلام تھا. ہم کو قرآن شریف میں اس بات کے لیے کہا گیا ہے اور میں آپ کو عرض کروں گا, قرآن پڑھو اور امام سلطان محمود کی اور حضرت امام کی جو فرمان کی کتابیں ہیں کو بھی گھر میں پڑھو. 10 منٹ ہر روز قرآن یا فرمان کی اسٹڈی کرو, ایٹ لیسٹ 10 منٹ. 10 منٹ سارے دن میں کبھی بھی 2-3 تسبیحاں نکالو. 10 منٹ آرام سے بیٹھ کے کھانا پینے کے بعد دن کو رات کو کبھی بھی اپنی لائف کی سٹوری کو یاد کرو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں, جو کچھ بھی ہوں, وہ برابر ہے کہ نہیں. آج میں نے کسی سے جھگڑا کیا, آج میں نے کسی کو گالی دی, آج میں نے کسی کو چیٹ کیا, آج میں نے کچھ جھوٹ بولا, آج میں نے کچھ بد نظری کی, آج میں نے کچھ گناہ کیا. سارے دن میں 10 منٹ بیٹھ کے ایک دفعہ ضرور صبح سے رات تک اپنا اسٹاک لو, اکاؤنٹ دیکھو کہ برابر ہے, میں نے آج کتنے گناہ کیے. اس طرح ہم کو خود کانشسنیس کے جگانے کا ایک طریقہ ملے گا, ہمارا من جاگ اٹھے گا, ہماری تھرڈ آئی اندر سے کھل جائے گی, ہمارے اندر نور پیدا ہو جائے گا اور پھر ہم اپنے اس خدا کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کو یاد کریں گے. تو آہستہ آہستہ ایک پلانٹ کی طرح کے سیڈ ڈال کے ہم اس کی حفاظت کریں, پروٹیکشن دے دیں کہ دوسرے انسیکٹس اور جانور کھا نہ جانے اور اس کو پانی بھی دیتے رہیں, تو یہ ایک دن بڑا جھاڑ بنے گا اور اس کو فروٹ لگے گا. ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں کہ سیڈ ڈال کے پانی بھی دو, اس کو کھاتر بھی دو اور پروٹیکشن بھی دو, تو ضرور ایک دن وہ بڑے ہو جائیں گے. میں نے ایک گھنٹہ آپ کے سامنے وائز کی, اسماعیلی مذہب کا ایسنس میں نے آپ کے سامنے رکھا. پھر بھی انشاءاللہ میں آج رات آپ کے پاس ہوں, کھانا پینا کھا کے کبھی آپ منظور کرو میں تو تیار ہوں. آپ میں سے کسی کو بھی کوئی کوشچن کرنا ہے میرے ساتھ آرام بیٹھو, کسی کے ساتھ میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ. مولا آپ کا شکریہ بات کر, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, دو جہان میں برکت دے. مولا آپ کی بلائیں آپ اپنے دور کریں, مولا آپ کی مشکلیں دور کریں, مولا حضر امام آپ کے اوپر راضی رہے, مولا آپ کی دعائیں قبول کریں, مولا آپ کی نیک اچھائیں پوری کریں, مولا دوستوں سے پرسم پورا رکھے, عبادت بندگی اور دھرم کرم کا شوق دے رہے. مولا حضر امام ہمیشہ آپ کے اوپر, آپ کی آل اولاد کے اوپر, کتب قبیلے کے اوپر راضی ہو گئے, خوشی ہو گئے, سکھی رہو, آباد رہو. ہزار بات سن دی گار نصیب صحیح. અહીંયા એક સવાલ છે, ઘટપાઠ હુમ ટુ બી ગીવન ટુ દ્વાર રિસાઇટર ઇન ધી બિગિનિંગ.
सियासी जमात खाने थी अंदर, जब गठपाट की दुआ चालू थी है, तो अनाउंस थी है गठपाट स्थापना अलार्म मेरे तो अकड़ो मारू उपाधि ने इनके कुंभ दिए। ओरिजिनली ये अकड़े कबाट के अंदर ऊंची जगह से रखन में अचना हुआ अने ई पोई हिदा से कड़ी मैंने मथे से उपाड़ी ने इनके दीदा हुआ अने मथे तो न था उपाड़ू उड़ान पियो हुए अने ट्रेडिशन पानी चालू आए एंड दिस डिपिक्ट्स दैट रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू गेट पास। ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ घटपाट। घटपाट नाम आए घट एटले कुंभ, पाट एटले टेबल, अने एक्चुअली इन जो नाम आए नियाज, आबे सफा, आबे सफा, अमीजल, पावल, नूर पियो, ये मड़े इंजा घटपाट जा नाम आई, अने पांजे पीरें जे फरमान हिसाबे जदे से दुनिया के अंदर धर्म चालू थियो एटले पवित्र पानी की प्रथा चालू थी दुनिया के दरेक धर्म के अंदर होली वॉटर टीम में अचे तो क्रिश्चन ज्यूज हिंदी हिंदू सिंगा सिंगा पारसी बुद्धिस्ट ऑल पीपल दे यूज वॉटर एज ए मीडियम ऑफ प्योरिटी होली वॉटर। Meaning of letters at beginning of certain surahs. 27 era letters, 27 places are in the jida Allah Ta'ala Alif Lam Mim Yasin Taha era letters beginning mein rakhan mein aaya hai in ki Arabic jangar makatiyat chunta ani koi pan jo meaning na to bujhe sirf रसूल अने इमाम बुजनता अने पाके कोई के खबर नहीं कि ही लेटर्स क्यों मीनिंग करो। लैंग्वेज अरबिक इंडियन दुआ जिनान लिटरेचर अने गाली है कि पांजी अंदर जो अरबिक लिटरेचर हुआ ये दीन जी हाथ में हल्ले हो गया अने इन लिटरेचर के अंदर घणो लिटरेचर जे अंजा दाइयों ने पीरो लिखा हुआ अरेबिक में ही डिस्ट्रॉय थियो आफ्टर आलमूत। आलमूत की लाइब्रेरी में 600,000 मैन्युस्क्रिप्ट हुयो अने जदे ही लोग तारतारी अटैक थियो मंगोल थियो तो ही लोग पांजी सगी लाइब्रेरी से डिस्ट्रॉय करी सकी 600,000 मैन्युस्क्रिप्ट करो के पूरा अरेबिक लिटरेचर डिस्ट्रॉय थो अलेक्जांड्रिया ने इजिप्त में इधर पर्शियन एने अरेबिक लिटरेचर डिस्ट्रॉय थो आलमूत में पर इनकी डिस्ट्रक्शन पहला हिंदुस्तान के अंदर जो पीरो आया ये लोग इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर पर्टिकुलरली जो गुजराती ने प्राकृत है इनमें ज्ञान रचिया क्योंकि उन जमाने के अंदर इंडिया की ही जबान हुई हो जो पीर उन जमाने के अंदर इंडियन जबान के छदी ने पर्शियन अरेबिक में लिखा हो तो ही लिटरेचर पर डिस्ट्रॉय थी रो हो पर पीरो ही लिटरेचर इंडियन भाषाओं के अंदर कंपोज करी जिनकी आज अभी ज्ञान ने जो शास्त्र चुन था पांजे जूने लिटरेचर के जो अरेबिक पर्शियन में हो अने डिस्ट्रॉय थी रो अने अमुक बे जे हाथ में हलो रो इनके हिदा पाछो री राइट करी ने प्रिजर्व कर सको एट दरेक इस्माइली मथे खास करी ने जे इस्माइली इंडियन ओरिजिन जा आई इन्हें के गुजराती लैंग्वेज सीखी खपे टू हैव एन एक्सेस टू अवर लिटरेचर। जलालुद्दीन रूमी सीर शम्स एंड इस्माइलिज्म। जलालुद्दीन रूमी जाहिर में इस्माइली ना थे historically there is no evidence that he was an Ismaili or actual evidence he is that he was a follower of an Ismaili peer Pir Shams and he Pir Shams Shams Tabriz hua and asan ji puthiyo je andar je peero ja naam aayi Shams Tabriz asan ja je ginan mein Pir Shams chon that was a different person son of Pir Salahuddin but Pir Shams Shams Tabriz
teacher of Rumi was not a peer in our Puthino, but he was a son of Imam Alauddin Muhammad. So naturally, if any Ismaili makes anyone his follower, he will teach him Ismaili. That is all. Why isn't everybody in this world an Ismaili? Ye avar mukhe pucha kahin ke sabhi duniya Ismaili kula na hai. So number one to ye hai ke khuda wo to ye creation mein jitni best cheezon banayi hai ye hamesha quantity mein pahunchi hai. Human body ke andar ye brain hai, it's hardly half a pound weight mein doctor ne kaha hai ki sabse zyada એટલે પાંચે જે અપર બ્રેન હે જિનમે ઇન્ટેલિજન્સ રહી હતી એ ગ્રે મેટર વાળો 8-9 અંશ હતો એને બોડી ઓફ સે એવરેજ 160 pounds. તો સજી દુનિયા ઇસ્માઇલી ન જ થઈ શકે, કેમ કે આપણે બે રીઝન એ કે સજી દુનિયા આજ સુધી લખો વર્ષો સે દુનિયા મેં હ્યુમન બિંગ રોનતા કોઈ પણ વખતે 100% ખુદા કે મંજન વાળા પણ નહીં. એટલે 100% કોઈ બી બિલીવર્સ નહીં રહ્યા હી દુનિયા જાય ને. હવે તો બિલીવર્સ બહુ ઓછા થઈ ગયા, તો એ તો પોસિબિલિટી હેવ નહીં. પણ ઇન્શાલા આફ્ટર 130 years વટ એવર બી ધી પોપ્યુલેશન ઓફ વર્લ્ડ દે વિલ બી ઓલ ઇસ્માઇલી. વાય ડઝન્ટ હાઝર ઇમામ ડિક્લેર હિમસેલ્ફ ટુ બી ધી ટુ ધી વર્લ્ડ? અને હી કે થીને હાઝર ઇમામ પોતે કે ડિક્લેર તો કરી ચૂક્યા કે આમ ધી ડાયરેક્ટ ડિસેન્ડન્ટ ઓફ પ્રોફેટ મોહમ્મદ, આમ સ્પિરિચ્યુઅલ લીડર, આમ ઇમામ, એ મળે ડિક્લેર તો કઈ નહીં. પણ આફ્ટર 130 years હી વિલ રૂલ એઝ એન ઇમામ. ડઝ ઇમામ નો ઓલ ધી લેંગ્વેજીસ? લેંગ્વેજીસ અલ્ફાબેટિકલી હી મે નોટ બી નોઈંગ, but the language of love and language of prayer he understands everything. Chet Chetan, I am akro dakro example banali. 1976 mein Hazrat Imam London liya ane London ke andar ye logo Alexandra Hall ke bhaade kiyo. Ina sab ki jamaat Europe ki bhegi thi, India, Pakistan, Africa se jana maru liya. અને અકરોજી સાહેબ મહેમાનીઓ માટે રિઝર્વ રખ્યો તો ઊંડી મળે માળું પોતે જે મહેમાનીઓને કાચ ખાની આવ્યા. બ છોકરા જે લંડનની અંદર ઘણી વર્ષોથી રોંડા હુઆ, હાર્ડલી 18-19-20 years થયા, એ લોકો પોતે જે ફેમિલી મેસે મહેમાની ખાણી આવ્યા. જે એ લોકો એના આવ્યા થોડા મોડા થયા, હાજરી માં ઓલરેડી અચીવી આવવા અને ઉન વખતે જ્ઞાન બોલાવી દઉં. હજરત યાદ ને સા વચન પેલા કુરાનજી તિલાવત થી એ પછી જ્ઞાન બોલાય તો જ્ઞાન બોલાવી દઉં. અને જ્ઞાન બોલન વાળી જે છોકરી હોય ચિત્ર ચાલ પાઠ બોલે તો એ આપણો છોકરો બે કે જો તો ડુ યુ થિંક હી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ લેંગ્વેજ? ઇઝ જસ્ટ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. એ બધ એના સાવ પૂઠિયા બેઠા હોવા જેને એની જે વારો આવ્યો બે ચાર કલાક પછી મહેમાની જો, તો જે છોકરો છે લાઈન છે બે કે સાહેબ ઇન કે ચોનતા ઇમામ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરી લેંગ્વેજ. તો હું તો ઇન કે શોખ જેનો લગો કે હું તો ઉડા ગાલ થયો છે ખાલી ઇન કે તો ઇન કે હિન્દી ખબર પડી. પણ હી ચીજ ઇન કે ઇમાન કે મજબૂત કરી દે કે છોકરે જો ઇમાન ઠીક થઈ સ્વચ્છ ખાને. તો દુનિયા ભાને અસી હિ ન કહી શકો કે ઇમામ દરેક લેંગ્વેજ સમજે તો તે માટે. પણ એમંગસ્ટ ઇસ્માઇલીસ આઈ વિલ ટેલ યુ હી અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરી લેંગ્વેજ. જો કોઈ સવાલ difficult to do what you really tell them. Is that a thing that I ask a question to that person? Is that a question?
Number one, I prefer not to go to Hazariman for your disturbance. You fight yourself with your prayer. But if you really, you think that you must go to him, well, you have the right and the privilege to go to him. But then whatever he tells you, you must follow. And then if you don't follow, it's a sin. પાઠનું દોરો. જૂના જમાનામાં ઇવન નાઉ સમ પીપલ આર વેરી સુપરસ્ટિશિયસ એન્ડ મેન્ટલી સાયકોલોજીકલી દે નીડ સમ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોટેક્શન એશ્યોરન્સ. જૂના જમાનામાં પીરો પાસે એવા માણસો જાય અને કોઈ ચીજની કરી કે એક જાહેર ભાને જો પીર હાજર ના હોય તો આપણે પછી એના પીરના હુકમ પ્રમાણે જ્યારે ન્યાઝ નીકળે અત સ્ટ્રિંજીસ કોટનનો થ્રેડ, અત સ્ટ્રિંજીસ કોટન થ્રેડની ઉખી કે કમળિયા બેમાંથી કોઈ પણ એક અલી પડતા પડતા એનામાં સાત ગાંઠો મારે તમે નોટ્સ પછી નીચે આજુબાજુ રાખી દઈએ તો કટિંગથી છેલ્લે સુધી એ ઘટપાટની દુઆનું અસર અને આખી જે દુઆ પડી છે આખી જમાતની દુઆ એમાં છે એવી રીતે એ ગતનું દોરો બને. 20-25 દોરા બનાવીને મૂકી રાખી દે, કોઈને ખપે તો એમાંથી એક આપે. પણ એવા માણસો જો હોય અને એ તવીઝ તવીઝ ઇમામ સુલતાન મુહમ્મદ શાહ, ઇમામ અલી શાહ, ઇમામ હસન અલી શાહ એની વટે મિની એ વાળું તવીઝ ગિંદા હોવા ઇમામ હાકમ થી ફોલોઈંગ મે એટલે બોરા પછી લોકો સ્પીક થાય ના બોરા પહેલા હા બોરા ઇમામ મુસ્તન સર પેલા 18 થી માન અને દુરુઝ ઇમામ હાકમ 16 થી માન એ લોકો ઇસ્માઈલી છે એની જે અંદર શિયા એ નહીં લોકો હા શિયા વધુ લોકો જે કો શિયા શિયા જે અંદર સ્પીક છે ના શિયા જે અંદર લગભગ 39 ફેર કાઢ કથી પણ શિયા બોરા શિયા ઇસનાસી શિયા દુરો શિયા વૈદિયા શિયા મનસુરિયા જાફરિયા મુસરિયા એટલે 29 ફરકા આવીને એટલે ઈ જે દુરુઝ આઈ એ લોકો પણ શિયા આઈ પણ બે શિયા સે જુદા આઈ કે નબી મોહમ્મદ કેવા કે 72 73 શખ્સ થી ના પણ એમ ખાલી હકડો જ હક મથે હું બાકી મળે What I find difficult to understand is if God is trying to draw a people or men towards Him in a spiritual sense, then why are all the divisions being created? God can bring everyone. Well, God, if God wants to bring, certainly He can do it. But He has given us time to mankind. And if you study creation, you will find that everywhere there is a cycle of up and down, positive and negative cycle, light and darkness, day and night, day and no, even in religion. So we are passing through that dark cycle now. It will
be over, and then light condition it will come. The same applies then to the height of Ismaili power during the Fatimid, and then he went down and then Alamut again and then down again. Is that a purpose or is it a chance happening? No, it's a purpose. कि गिनानों के अंदर टाइम आए, डेट आए, दी डे गिवन, मंथ गिवन एंड दी ईयर गिवन, बट नॉट एट वन पर्टिकुलर पार्ट. इट्स अ जिग्सो, यू हैव टू जस्ट अरेंज दी ऑल दी पिक्चर. आई हैव डन इट. Just talking, you know, these vessels, the pots, there is one main and then smaller cups. It is like the main as the fountain of Noor. And then all these small cups are the moment. No, Imam is the fountain. Peer is that smaller one. And the cups are the moment. It is the peer which is the link between the Jamaat and Imam. Okay. Char khyaliyon direct plate mein honi kapan. Panj naan e tere panna. ब कही शक अकड़ी प्याली हुए ब हूं चार बो कि जैसे गेट पाठ की दुआ पा पढ़ाजे तो पंजे पाठ में तस्वीर अचे थी इन पची असी जैसे न्यास करूँ था तो जितनी प्यालियों प्लेटों में पी हूं मे बी वन और ट्वेंटी वट एवर दी नंबर मड़े फिलअप कई खपे कोई दुआ चालू એની વખતે કરો છે કે અકડી પ્યાલીને પોર નિયાસ કરી અને દુઆ ચાલુ કરે અને પોઈ દુઆ પડાય પછી નીચે ફિલ અપ કરે. ઈ ના હોય એવરી કપ મસ્ટ બી ફિલ્ડ અપ ઇન ધી ગેપ ઇન ધી દુઆ ડ્યુરિંગ ધી દુઆ. કેમ ત્રણ નહીં પાંચ નહીં પણ એક બે ને એક બે ને ચાર અને આ યુગની સાથે ચાલે છે. આજકાલ યુગમાં માટી સોના ચાંદી ત્રાંબા ને માટી એની ફિલોસોફી સિગ્નિફિકન્સ એ છે કે જયારે પહેલો યુગ હતો તો જેવી રીતે ગોલ્ડ પ્યોર છે અને ઊંચો છે એવી રીતે એ જમાનાની અંદર જે મોમનો હતા એ લોકો ગોલ્ડ જેવા પ્યોર ને સારા હતા. સેકન્ડ યુગની પીરિયડમાં સિલ્વર જેવા કે જે ગોલ્ડ થી લોઅર છે. થર્ડ યુગમાં ત્રાંબા જેવા કોપર કે જે એનાથી પણ લોઅર છે સિલ્વરથી. ને હવે માટી જેવા કે સાવ નીચે પડી ગયા લોએસ્ટ લેવલ. બરાબર. હવે એ જે કચરા છે એનું નામ એ ઠાકા ઠાકા ને કચરા જો હોય ને મતલબ કે વેરિયસ વેજીટેબલ્સ ઘર અંદર પાંકપ છે અને કોઈ જીકી ઇન બી ઝાંખડીઓ વગેરે જે રહી ગઈ ને ઇટ્સ અ મિક્સચર ઓફ ઓલ ધી વેજીટેબલ્સ ઇન કે ચોણ કચરા. થેન્ક યુ.
पूजो का पाठ तो रोज करते हैं। तो करो के सजी दुआ न पड़े सजो कुम की जरूर है इमाम जी हाथ जो न्याज आखिरी के बाप यालियों में भी कीजिए ने दुआ पड़ी आँखों को बद्दो बद्दो करने की जरूरत है ना तो पर बद्दो आँखों पोर्ट खोल दिए बद्दो बने ठीक है तो और क्या क्या बाप मारू हूँ तो आज़र इमाम जी हाथ जो जो न्याज दियो है कि उड़ा दुआ जो पहला अंदर है रखी छो अने दुआ पूरी थी है तो यू हैव इट पर सुबह जो न्याज कर दरेक इस्माइली जमात खाने परोड़िए न पंजनी सके तो सुबह जो उठी ब्रश करी इनके पहला न्याज की बच कर एवरी इस्माइली मस्त सिर्फ सर न्याज इन दी मॉर्निंग के मन पर होते क्रिस जो सिग्निफिकेंस ही है से इमाम की पाके बख्शीश मिले थी न्याज पहला की दुआ करें था दुआ के अंदर गुना की माफी मांगू था ऐसी न्याज की ऐसे मन पवित्र थी अने कोई पाके मुबारक मिले मुंह मीठो करूँ गए फिर जी तरफ शाह की तरफ से पाके ही सुकृत मिले अने कोई जगह सुकृत न थे सके तो रेजी नहीं ना इन जो साफ करी भी नहीं इन झाखड़ियों कभी भी नहीं रेजिंग रखी चलो अथवा तो खजूर रखी चलो विदाउट स्टोन जिदा बनी सके होगा सुप्रीत बनाई का सूर्य बनाया था ऐसा तो ना कि बह जाने के अंदर रेजिंग आए कि खजूर आई रखी એના માટે દર રોજ દુઆ માંગવી કે યા મોલા જમાત ને એવી તોફીક ને તાકાત દે કે પરોળીએ પણ જમાત ખાઈ એના કોઈ દિવસ એ લોકોને એ સુબુદ્ધિ આવશે ખાને આવી just method of understanding aaj hi mari awaaz se samajh aa jato hai method of understanding it all boiled down to able to learn the lesson of allah guys aina upar raji thai che ke je pano ave ek manush che enu koi dushman hoy to e che ke aa manush mara ghare na aave to જેને એ માણસ પ્યાર કરે તો એને કઈ મારા ઘરે આવું ના બોલાવો તો જેના ઉપર રાજી હોય એ માણસ જમાતખાને જાય અને જે જમાતખાને નથી જતું એને સમજી લેવું જોઈએ કે ખુદા નથી રાજી એટલે એને પોતાના ઘરે આવવા નથી દેતું કારણ દુનિયામાં એ રિસ્પોન્સિબલ માણસો હોય એ લોકો પોતાના પ્રોમિસિસ પૂરા કરે પોતાની ડ્યુટી પૂરી કરે હાજર ઇમામની બયત કરી છે એટલું મતલબ એ કે હાજર ઇમામ કહે છે કે જ્યારે તમે જમાખાને જાઓ છો તો મને બહુ ખુશી થાય છે જ્યારે હું જોઉં છું કે તમે જમાખાને નથી જતા તો મને દુઃખ થાય તો હું એ પૂછું છું કે એક માણસ જેનું હાજરીમાં મેં કઈ બગાડ્યું નથી એ શા માટે હાજરીમાં મને દિલ દુખાવે બાય નોટ ગોઈંગ ટુ જમાત જો હાજર ઇમામના ધર્મમાં આપણે આવી ગયા તો હાજર ઇમામનું હુકમ માનવું જોઈએ અને હાજર ઇમામનું જો હુકમ નહીં માનીએ ખાને નહીં જઈએ તો હાજર ઇમામ કહે છે કે મારું દિલ દુખે છે તો અમોને શું રાઈટ છે કે હાજર ઇમામનું દિલ દુખાવું શા માટે હાજર ઇમામે કંઈ આપણું ખોટું કર્યું છે તો એક જ રસ્તો છે જ્યાં તો ધર્મ છોડી દેવો તો એની એની બયતમાંથી નીકળી ગયા ને એગ્રીમેન્ટ અમે નલ એન્ડ વોઇડ કરી નાખીએ પાડી નાખીએ પતી ગયા પણ જો એગ્રીમેન્ટ રાખવું છે તો વી મસ્ટ ફોલો ધ એગ્રીમેન્ટ હું તારા ઘરમાં
આ હું એગ્રીમેન્ટ કરીને કહ્યું અહીંયા હું રેન્ટ આપીશ, તો હું રેન્ટ પણ નહીં આપું અને ઘર પણ ખાલી ના કરું. આ તો બે ચીજો તો નથી આવે ને, યા તો રેન્ટ આપું મેં તો ઘર ખાલી કર્યું. ગત રીતે હું મિશનરી છું એટલે એ તો મારી ફરજ છે, અમારું મિશન છે. એક ઇન્સ્યોરન્સ એજન્ટ હોય જ્યાં જાય એ પોતાની કમિશનની જ વાતો કરે કે નહીં, તો મને પણ પોતાની કમિશનની વાતો છે. પણ એ ઉપરાંત એઝ એ હ્યુમન બિંગ મેં જોયું છે કે જમાત ખાને જવાથી ઘણા ફાયદા છે. આ ફાયદા, એક માણસને કોઈ આદત ન હોય ખાને જવાની, એને હું કહું કે એક વર્ષ સુધી વિધાઉટ ફેલ રોજ જમાત ખાને જાઓ, અને એ એક વર્ષમાં તને ખુશી કે ફાયદો ન થાય, then you leave it. Try for 360 days. આખી દુનિયામાં કોઈ એવો આપના જેવો ધર્મ નથી. બેસ્ટ થયું લાગે છે જમાત ખાને માંડવી કલાક પ્રતિભાતી હોય. મને ઘણી વખતે, હું પબ્લિક માણસ છું ત્યાં ધારાસુરામાં, ખાલી આપની ઇસ્માઇલી કોમમાં નહીં પર કોમમાં પણ ઘણા ઇન્વિટેશન આવે, તે હું કદી ધોવા પડીને ચાલી જાઉં ભલે, પણ ખાનું કોઈ દિવસ ન મળે. પ્રોફેશનલ કમિટમેન્ટ હોય તો આપણને ખબર તો છે કે આ ટાઈમ હવે એક ટુ ટાઈમ કોઈને આપ્યું હોય અને કોઈ બીજો માણસ એ કહે કે ફલાણી ટાઈમ સોરી આ નહીં છે, તો એને એ કહી શકીએ હાજરીમાં સાથે આપનું પ્રોમિસ છે, એ અડધી કલાક બાકાત રાખી હાજર બિફોર ઓર આફ્ટર. એમાં કોઈ મુશ્કેલ નડતી નથી બિલકુલ. કદાચ બહુ જ તકલીફ આવી પડે તો પેલી જોવા પડીને ચાલ્યું જાય, ઇટ ટેક્સ અડધી 15 મિનિટ. બચ્ચે જે માટે હાજરીમાં માઓ કે થોડી એક્ઝેમ્પશન જેની આવે અપ ટુ 10 યર્સ ઓફ સ્કૂલ, તે છતાં બચ્ચે કે વીક મેં અકડે બહુ વખત જરૂર ખણી અચો થશે, સો દેટ દે મે નો દેર રિલિજન એન્ડ દે ફોર્મ ધ હેબિટ. ત્યાં 15 વર્ષથી પાંચી જમાત ભેગી થઈ તો કે ખબર હે આ લોકો મુજે એસે જૂના આવ્યો હેગા. અને તે છતાં My first trip was in 1963 to Canada. Hazari Man said, I knew at that time that in future people will come here. Even I have spoken in 63 in Darshan. It's a recorded message. Hida, Canada ji andar, Italians, Greeks, Germans, Portuguese, Spanish, any jatya maru. પિંજા વર્ષથી બધા અહીં 80-15 વર્ષ જે અંદર જે પ્રોગ્રેસ કે આવ્યો એ લોકો 50 વર્ષ મેં નહીં છે. મેં ખાલી રીઝન પણ હકડો રીઝન જમાત ખાના બીજા મારું જગ્યા આવ્યા તો ઇમિડિયેટલી એ લોકો ભેગા થયા જમાત ખાના બના. હવે January 1970 મેં ઈદા હોય છે ટોરોન્ટોમાં, સોરી 1971 January 1971 નિયાઝ અહેમદ કે કેશવાની ઇન્જે ઘરે હું ઉતર્યો અને ઇન્જે બેસમેન્ટ ની અંદર જમાત ખાનો સિનેવો એન્ડ થાય હાર્ડલી ધેર વોઝ 60 or 70 January 1970 પણ એ લોકો જમાત ખાનો બનાવ્યા. 3 ડેઝ ની ક્રિયા આવ્યું કે જમાત ખાને બંદગી થી એ ઠીક એનું ઉપરાંત હશે એટલે બે કે મિલું બાકી નોકરી જી જોબ જી સર્વિસ જી બધી ઘણી જાતની ખબરો મળે એટલે બે જી મદદ પણ મેં લાગશે, પાંજો મન થોડો રિલીવ થયે. બાકી હું કે પાંજી જમાત આવે આઈ એમ નોટ એલોન, ધેર ઇઝ સમ વન ટુ લુક આફ્ટર મી, કોઈ વખતે તકલીફ થઈ તો મુજબ જમાત ઉભી હૈ, લોટ ઓફ બેનિફિટ. That's a mark of the mission of the world. Selfish in there by saying just a mark only. Yeah, there's no selfishness.
કારણ કે દુનિયાની દરેક જમાતમાં આ જ તસવીર નીકળે છે. હવે એમાં એક શબ્દ છે આપણા જ્ઞાનોમાં, જુમલો જમાત. ગત જમાત મીન્સ ધોઝ હુ આર હાજર ઇન પ્રેઝન્ટ. ઘરે બેઠા છે એ ગત જમાતમાં નથી આવતા. ઓનલી ધોઝ પીપલ હુ આર ઇન ધી જમાત ખાના. પણ જયારે આપણે જુમલો જમાત કહીએ તો આખી દુનિયાના દરેક ઇસ્માઈલી, એ પછી ઘરે હોય કે જમાતખાની હોય કે રેલગાડીમાં કે એરોપ્લેનમાં, જુમલો જમાતનો શબ્દ કવર્સ ધી હોલ વર્લ્ડ ઇસ્માઈલી. Because of the